वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज आपको बताने वाली हूँ कि चेहरे की परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं। चेहरे पर चमक नहीं है तो गाइस, हर कोई चाहता है कि चेहरा गोरा हो, खूबसूरत हो और बिल्कुल चमकदार हो। चाहे कोई लड़का है चाहे लड़की है, हर किसी की ख्वाहिश यही रहती है। और चेहरे पर जो रौनक है, रंगत है, वो कभी भी कम ना हो, कभी भी ख़त्म ना हो। तो इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, मार्केट से प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, पार्लर में घंटों घंटों गुजारते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ कुछ टाइम, कुछ मिनट आप रोज़ाना अगर एक काम कर लेते हैं तो चेहरे की चमक भी बनी रहेगी और रंग भी खिला खिला रहेगा। अगर आपको पिंपल या एक्ने की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी, ओपन पोर्स है तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा तो अभी हम बात करते हैं उस रेमेडी की। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी कर दीजिए प्रेस। और वीडियो अगर अच्छी लगेगी लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चेहरे को बिल्कुल चमकदार और खिला खिला बनाने के लिए हमें चाहिए ये दो चीज़ें, एक टमाटर और हनी। अब हमें इसको यूज़ कैसे करना है जल्दी फटाफट से देख लेते हैं। टमाटर को आप कट कर लीजिए हाफ। ये आपको रात को सोने से पहले ही यूज़ करना है, उस दिन में नहीं कीजिएगा, क्योंकि रात को सोने से पहले आप कोई भी चीज़ अगर लगाते हैं फेस पैक वगैरह तो उसका असर ज़्यादा होता है, क्योंकि पूरी रात आपकी स्किन खुद को रिपेयर करती है और इसका असर भी रहेगा। जो भी चीज़ आप लगाते हैं तो ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। यह है और इसके ऊपर हम डाल लेंगे हनी, थोड़ा सा हनी हम टमाटर के ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। ठीक है, टमाटर या तो आपका थोड़ा सा पका हुआ ज़्यादा होना चाहिए, और अगर कोई बात नहीं ज़्यादा पका हुआ नहीं भी है तो हनी लगाने के बाद में जो आपका चाकू से या फिर आप फॉर्क ले लीजिए उससे आपको इस तरह से इसको ऐसे कट लगा दीजिएगा इसमें, जिससे टमाटर का जूस और हनी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपको इसे 5 से 10 मिनट तक अपने चेहरे पर इस तरह से रब करना है। इसके बहुत सारे फायदे हैं स्किन के लिए। हनी हमारी जो स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है और सॉफ्ट बनाता है। एक चमक चेहरे पर आ जाती है, नेचुरल ग्लो चेहरे पर आता है। अगर आप शहद चेहरे पर यूज़ करते हैं, मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ हनी फेशियल शेयर किया हुआ है, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने उसको इतना ज़्यादा लाइक किया है, मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद आप लोग कर रहे हैं, 1 मिलियन+ व्यूज़ उस पर वीडियो पर आ गए हैं। और टमाटर को अगर आप डेली 5 मिनट स्किन पर रब कर लेते हैं तो ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये बिल्कुल कमाल करता है। जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं, और अगर पिंपल और एक्ने की परेशानी है आपको, सारा इन्फेक्शन हट जाएगा, पिंपल और एक्ने ठीक हो जाएंगे। और इस तरह से हनी डालकर आप सब यूज़ कर सकते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, चाहे ड्राई स्किन हो चाहे ऑयली स्किन हो, सभी इसको इस तरह से रब कर सकते हैं। डेली आपको इसको रब करना है सोने से पहले, इस तरह जब भी आप अपने चेहरे को वॉश करते हैं उस टाइम 5 से 10 मिनट तो कर ही लीजिए। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ये आप तब तक करेंगे जब तक ये टमाटो का पूरा पल्प ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक आप इसको चेहरे पर अपने रब करते रहेंगे सर्कुलर मोशन में पूरे चेहरे पर, ठीक है। उसके बाद आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको आप 5 मिनट तो एटलीस्ट रख ही लीजिए, उसके बाद इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर। देखिए मैंने रब करके टमाटर को और अपने हाथ को धो लिया है तो कितनी सॉफ्ट स्मूथ स्किन लग रही है, और दोनों हाथों में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना है। सिर्फ 1 मिनट मैंने आपको रब करके दिखाया है, अगर आप इसको 5 से 10 मिनट कर लेते हैं डिफरेंस ग्लो आपके चेहरे पर आ जाएगा, कि आप खुद सोचने वाले हैं कि टमाटर इतना सरदार था और आज तक आपको पता ही नहीं था। चेहरे को चमकदार बनाता है, चेहरे को शाइनी बनाता है, रंग को गोरा करता है, दाग धब्बों को धोता है, अगर पोर्स ओपन है ज़्यादा उसको भी बंद करता है, और जो आपकी स्किन पर अगर एक्स्ट्रा डर्ट ऑयल पॉल्यूशन की वजह से एक्ने पिंपल या कुछ भी मतलब इरिटेशन वगैरह है, कुछ भी है, उसको भी ये ठीक कर देता है। तो बहुत ही एक नेचुरल रेमेडी है ये। तो दोस्तों इसका फायदा जरूर उठाइए, बहुत अच्छी रेमेडी है। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।